नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीसीएस मंत्रा के एक और वीडियो में। जैसा कि आप टाइटल देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश समसामयिक के प्रश्नोत्तर रूप में। देखिए, 14 मई को यूपीपीसीएस का एग्जाम है और आपको पता है यूपीपीसीएस यूपी स्पेशल का जो करंट है उससे 5 से 7 प्रश्न तक पूछ चुका है। पिछली बार भी उनके 5 प्रश्न आए थे, इसलिए यूपी स्पेशल का करंट देखना पड़ता है। मैगजीन्स जो वगैरह आई उनमें दिया है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं दिया है, तो इस वीडियो में ये कोशिश करी गई है कि स्टेट स्पेशल को थोड़ा सा डीप करके पढ़ाया जाए और कोई प्रश्न छूटे ना। इस वीडियो की जो सबसे स्पेशलिटी है कि इसमें आपका टाइम बचाने की पूरी पूरी कोशिश की गई है। इस वीडियो को हम टोटल 3 पार्ट में कवर करेंगे। 3 पार्ट मतलब कि एक वीडियो में 3 या 4 महीने को हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में अभी आपके अप्रैल, मार्च और फरवरी, हम ऊपर से लेकर नीचे के चलेंगे, बजट भी इसमें आएगा जब हम फरवरी का महीना देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में ये खासियत रहेगी, हम लोग बहुत तेजी से करेंगे ताकि आपका टाइम किल ना हो। देखिए, पूछ रहा है काशी क्षेत्र के कुल कितने उत्पादों को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला। कितने को मिला? 4 को मिला। किसको? बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भंता बैगन और आदमचंद चावल। काशी क्षेत्र इसलिए लिखा है क्योंकि ये चंदौली जिले से है, तो काशी क्षेत्र जो पूरा प्रक्षेत्र माना जाता है उसमें काउंट होगा। आदमचीनी चावल याद रखिएगा बेसिकली चंदौली का है, रामनगर ये भंता जो है बैगन को बोलते हैं। तो 4 उत्पाद हो गए, इनको हाल ही में GI टैग मिला है। दूसरा है कि युवा 20, देखिए G20 के तहत कई सम्मेलन हो रहे हैं, उसी में एक सम्मेलन है युवा 20 परामर्श सम्मेलन। कौन मेजबानी किसने की? IIT कानपुर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका कौन मंत्रालय कर रहा है? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। कौन? विभिन्न देशों को यूथ को आपस में जोड़ा जाएगा। तो आप बस 2 चीजें याद रखें, युवा 20 परामर्श IIT कानपुर, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, खत्म। अतीक अहमद हत्याकांड हुआ, आपको पता है उसमें मेंबर बने, ये उसकी जांच के लिए आयोग बनाया गया है, अरविंद कुमार त्रिपाठी उसके हेड हैं, 2 मेंबर और हैं, टोटल 3 मेंबर हैं। तो आप तीनों के नाम याद रखिए, अरविंद कुमार त्रिपाठी, ब्रजेश कुमार सोनी है शायद, ये सिंह नहीं है, और ये तीसरा है सुदेश कुमार सिंह, ठीक है। ये चौथा प्रश्न, उत्तर प्रदेश का पहला बोन बैंक, बोन बैंक हड्डियों को 5 साल तक सुरक्षित रखेंगे, कहां? BHU के ट्रामा सेंटर में। तो बोन बैंक कहां खुला? BHU के ट्रामा सेंटर में। फिर पूछ रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान पर गीले कूड़े से बायो कंप्रेस नेचुरल गैस। देखिए, जो भी आजकल ज्यादातर चीजें हो रही हैं आपको पता है, गोरखपुर, लखनऊ, बनारस, इन 3 चीजों में जगहों पर ज्यादा हो रही, उसी क्रम में याद रखिए बुथनी गांव। यहां देखिए ये कीवर्ड है बुथनी गांव, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, शहर से निकलने वाले कीड़ों को बायो CNG गैस के अंतर्गत खाद भी तैयार करिए, तो बायो CNG भी बनेगी, खाद भी तैयार होगी, कहाँ होगी? गोरखपुर के बिथनी में। अगला प्रश्न करते हैं, भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश से किस शहर से गुरु कृपा, गुरु कृपा से आप समझ जाइए कि गुरु की जो महत्व है सिखों, मतलब इसको याद करने का तरीका है आपका, कि गुरु कृपा यानी कि सिखों के जो तख्त बने हुए हैं, 5 हैं उनके तख्त बेसिकली, ठीक है। और ये देखिए 5 पवित्र तख्त स्थलों पर जाएगी, कहां से चालू होगी? लखनऊ से। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट अलंकार का संबंध है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट अलंकार को बस ऐसे समझिए, क्या है कीवर्ड पकड़िए, कारपोरेट स्कूल जैसी सुविधाएं, कहां पे? राजकीय। ये बनारस से चालू किया गया प्रोजेक्ट, लेकिन ये पूरे प्रदेश में लागू होगा। इसमें किया क्या गया है कि जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों में कॉरपोरेट स्कूलों जैसी सुविधाएं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वगैरह हो गया, ये सब चीजें हाईटेक बनाने के लिए। तो याद रखिएगा, प्रोजेक्ट अलंकार किससे है? एजुकेशन से। सेरिकल्चर मेले का आयोजन गोरखपुर से किया गया, वन लाइनर है, याद कर लीजिए, सेरिकल्चर गोरखपुर, अभी बायो CNG का प्लांट बुथनी गांव गोरखपुर। राम मंदिर जलाभिषेक, कुल कितनी नदियों का जल लाया गया? 155। अगला चढ़ते हैं, जलवायु सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी एनवायरमेंट से कोई चीज आ जाए या सोलर से कोई चीज जुड़ी हुई आ जाए, वो लोकसेवा आयोग पूछ लेता है, सोलर वाले प्रश्न तो हर साल पूछे। तो 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ? लखनऊ में। ये पूछ रहा है निकाय चुनाव कुल कितने चरणों में होगा? ये तो आपको सबको पता है, 4 मई और 11 मई को 2 चरणों में कराया जा रहा है, 13 मई को काउंटिंग है, तो 2 चरणों में निकाय चुनाव हो रहा है। अच्छा, ये लास्ट टू लास्ट का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, अगर आयोग यहां तक पेपर बनाने के लिए रुका होगा तो ये प्रश्न जरूर पूछेगा। पूछ रहा है किन 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश की? ये है देखिए, हसदी औसनपुर
सिद्धार्थनगर जिले की, मिलक अमावती मुरादाबाद, ठीक है, मिलक से याद रखिए मुरादाबाद। ये किसने दिया? राष्ट्रपति महोदया ने दिया, सिद्धार्थनगर जिले की जो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार है, इसका पुरस्कार का नाम। अब इसमें श्रेणियां होती हैं, ठीक है। अब ये जो हसदी औसनपुर है सिद्धार्थनगर जिले की, इसको बाल हितैषी पंचायत, कुछ बच्चों के वेलफेयर के लिए उन्होंने काम किए हैं जिसके लिए इसको बाल हितैषी श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। दूसरा, मुरादाबाद जिले की जो ग्राम पंचायत है मिले, ये LSDG विषयों, हरित पहल से संबंधित विशेष सड़कें, देख रहे हैं ये, इसको एनवायरनमेंट के लिए जो LSDG की टॉपिक हैं, सब्जेक्ट हैं, उन पे अच्छे तरीके से क्रियान्वयन के लिए नानाजी देशमुख पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो दीनदयाल उपाध्याय जो प्राइज है वो हसदी औसनपुर को मिला है, और नानाजी देशमुख वाला जो पुरस्कार मिला है वो मिला है मिलक अमलावती को। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आपको ध्यान देकर याद करना पड़ेगा, इसको याद कर लीजिए। अच्छा, मार्च में हम लोग आ गए, अप्रैल का जितने थे समसमय की 20 अप्रैल तक वो हमने खत्म कर लिए, हम लोग मार्च में एंटर कर गए। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें कीवर्ड को ध्यान दीजिएगा, किस तिथि को, क्या इंपॉर्टेंट हो गया, तिथि लगातार सबसे ज्यादा समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ये नहीं पूछ रहा है कि टोटल दिनों तक कौन रहा है, लगातार दिनों तक पूछ रहा है, समझ रहे हैं, लगातार पे गौर फरमाइएगा कि लगातार बिना ब्रेक हुए। 1 मार्च 2023 को माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार 5 साल 347 दिन पूरे कर लिए। दूसरा कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल के भी 347 दिन हो गए हैं पूरे, तो ये सबसे ज्यादा हो गया। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया? इन्होंने डॉक्टर संपूर्णानंद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शायद इसमें वर्ष नहीं लिखा है, ये 1964 के आसपास की शायद बात है, एक बार देख लीजिएगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 5 साल 345 दिनों तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार रहे थे, शब्द पे गौर फरमाइएगा, लगातार। अभी ये नहीं पूछा गया है कि टोटल दिन मिला के सबसे ज्यादा कौन मुख्यमंत्री है, ये लगातार की हो रही है बात, ठीक है। अब इसमें कुछ पूर्व मुख्यमंत्रियों का भी दिया है कि 5 साल 4 दिन तक अखिलेश यादव जी रहे, मायावती लगातार 4 साल 307 दिन मुख्यमंत्री रहे। तो इस पर लगातार पे आपका ध्यान जाने, आप कहेंगे अरे वो तो सर इतने ज्यादा दिन रहे, लगातार की बात चल रही है, ठीक है। तो 5 साल 347 दिन पूरे कर लिए हैं, किस दिन किए हैं पूरे? 1 मार्च 2023 को, ये डेट याद रखिए और दिन याद रखिए। किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने? संपूर्णानंद का। अच्छा, राही मोबाइल है, आपको पता है रेलवे की ऐप जैसे है IRCTC वगैरह, तो उस तरीके से उत्तर प्रदेश रोडवेज ने हाईटेक होते हुए अपनी बुक राही से याद रखेंगे आप लोग, राही रास्ता होता है, रास्ता मतलब रोडवेज, ठीक है, खत्म करें, आगे बढ़े। शास्त्र का ये भी देखिए, नाम से कुछ चीजों को कैच किया करिए, ठीक है। शास्त्र क्या? संस्कृत भाषा सिखाने वाला मोबाइल एप्लीकेशन गेम है। किसने बनाया? अरुणा ये सबने बनाया है, ये इलाहाबाद के हैं। तो शास्त्र ऑनलाइन भाषा संस्कृत सिखाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन गेम है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति जो है इसकी डेट याद रखिएगा, 10 मार्च 2023, ये उत्तर प्रदेश सरकार की पहली बार खेल नीति घोषित हुई है। इसमें इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में 40 मिनट का समय खेल शारीरिक शिक्षा योग के लिए किया जाएगा। तो हम लोगों के स्कूल में भी खैर होता था, लेकिन उसको कोई ढंग से हम लोग इंप्लीमेंट नहीं करते थे। अब शायद ये पॉलिसी बनने के बाद ऐसा हो सकेगा। इसके ये 10 करोड़ रुपए से एक राज्य खेल विकास कोष बनाया जाएगा, ठीक है, और जो हर पंजीकृत खिलाड़ी का 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया जाएगा। तो 3 पॉइंट देख लीजिए इसके। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा में दिया, ठीक है। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख 1 हजार रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। विश्व भारती पुरस्कार किसके हैं? विश्व भारती पुरस्कार कौन देता है अगर आपसे ये पूछ लिया जाए? तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान देता है। किसको मिला है? हरिदत्त शर्मा को मिला है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे NCR होता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, आपको पता है, फिर ये बताइए SCR। अच्छा, ये बताइए NCR में कितने यूपी के जिले शामिल हैं, कमेंट करके बताइएगा। अब आपको उसमें क्या है कि NCR के तरफ पे SCR बन रहा है, ठीक है, राज्य राजधानी क्षेत्र।
इसमें सात जिले शामिल करने की बात चल रही है। सातों जिले कौन है, एक अपना बिना बोर्ड देखे का आपस में सोचिए कि लखनऊ के आसपास के जिले होंगे, लखनऊ होगा जाहिर सी बात है, ठीक है। कानपुर नगर होगा, कानपुर देहात होगा, उन्नाव होगा, लखनऊ होगा, सीतापुर होगा, रायबरेली होगा, बाराबंकी होगा। फिर से पीछे आते हैं, पहले लखनऊ के आसपास के जिले काउंट करते हैं, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, रायबरेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ, ठीक है। सात जिले हैं, सातों जिले याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था। देश के पहले रोपवे का उद्घाटन मार्च महीने में किस जिले में किया गया, वाराणसी में, ठीक है। G20 आधारित पुस्तक मेले का आयोजन कहां किया गया, लखनऊ में। अभी G20 का क्वेश्चन आया था पीछे, रिवाइज करते रहिए। G20 युवा परामर्श की मेजबानी किसको मिली, IIT कानपुर पे। दूसरा प्रश्न आया कि पुस्तक मेला G20 पे आधारित लखनऊ में। बाजरा महोत्सव पूछ रहा, बाजरा महोत्सव कहां हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आगरा में हुआ बाजरा महोत्सव। ये लखनऊ गोरखपुर में मत चले जाइएगा ऑप्शन देख करके कि सारी चीजें वहीं हो रही, ये भी वहीं हुई, ये आगरा में हुआ है, ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौथे अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया, आजमगढ़ में, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, चौथे अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। पहला विद्युत संवदान ग्रह बन के चालू हुआ है, जो आपको पता होगा कि विद्युत संवदान जो होता है शब्दान ग्रह, उसमें पॉल्यूशन वगैरह जो धुआं होता है वो सब नहीं निकलता है, ये वाराणसी में बन गया है पशुओं के लिए। अच्छा, ये पूछ रहे हैं इंडियन फार्मा फेयर के 8वें संस्करण की मेजबानी किसने करी, उत्तर प्रदेश में। अभी आगे आएगा कि फार्मा फेयर का जो पार्क है ये कहाँ बनाया जा रहा है, तो वो भी अभी देखने को मिलेगा। अच्छा, ये तो वो है कि CCL होता है, चाइल्ड केयर लीव होती है, ये महिलाओं को मिलती है 2 साल की। इसमें क्या, उत्तर प्रदेश सरकार ने एकल अभिभावक, यानी कि वो लोग जो एकल है, जिनके मतलब वाइफ नहीं है, उनको भी CCL मिलेगी। ये जेंट्स को बेसिकली नहीं मिलती थी CCL, ये महिलाओं के लिए थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की भांति निभा रहे, लेकिन ये भी अखिल भारतीय सेवाओं को किया गया IAS IPS IFS, 2 वर्ष की 730 दिन का बालकाल अवकाश देने की सुविधा घोषित की है। संघाई सहयोग संगठन SCO, कितने कंट्रीज में, कमेंट करके बता दीजिएगा। पर्यटन मंत्रियों की बैठक उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित करी गई, वाराणसी में, ठीक है। केंद्र सरकार ने किन 4 राज्यों के लिए विश्व बैंक के साथ ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, ये प्रश्न क्यों बना, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश होगा। राष्ट्रीय करंट के लिए भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल कितने सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है, 8। बुंदेलखंड क्षेत्र में टोटल 8 सौर पार्क बनाए जाएंगे। वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 किस शहर में आयोजित की गई, टीवी को लेकर के वाराणसी में आयोजित की गई, ठीक है। टीवी समिट कहां हुई, वाराणसी। गीले कूड़े से BioCNG कहां बनाई जाएगी, गोरखपुर के बथनी गांव में। युवा 20 परामर्श जो हुआ G20 का, उसकी मेजबानी कौन करेगा, IIT कानपुर। ये निपुण अभियान बेसिक एजुकेशन में आपको चल रहा है, जो भी लोग बेसिक एजुकेशन से जुड़े हैं वो इसको भली भांति जानते होंगे। इस साल के अंत तक प्रदेश में कितने प्राइमरी विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा हासिल करना होगा, तो 44,000 प्राइमरी विद्यालयों को। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य यह तय करना है कि देश में प्रत्येक बच्चा अनिवार्य रूप से 2026-27 तक Grade 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक प्राप्त कर ले। ये Class 3 तक चलाया जा रहा है। एक नई रिपोर्ट आई है तो उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन में प्रथम स्थान पर हो गया। ये देश के कुल आलू उत्पादन का 35% आलू उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए कि आलू बहुल जिले कौन कौन से हैं, तो आप कौन कौन से जिले बताएंगे, कमेंट में बताइए, स्पेशली फरकाबाद और आसपास क्षेत्र के लोग। निक्षय दिवस का संबंध है TB बीमारी उन्मूलन, ठीक है। देखिए, 24 मार्च को TB दिवस मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ठीक है।
इसी क्रम को आगे ले जाते हुए हेल्थ सेंटर जो होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं, प्रत्येक माह की 15 तारीख को एकीकृत निक्षय दिवस मनाया जाएगा। यानी कि टीबी को सघन रूप से उन्मूलित करने के लिए एक तो हर साल में दिवस मनाया जाता था 24 मार्च, अब क्या कर दिया गया है कि हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उनमें प्रत्येक माह की 15 तारीख को एकीकृत निक्षय दिवस मनाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, तारीख याद रखिएगा, हर महीने की 15 तारीख को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश जब भी निगाह जाएगी इस तरीके का क्वेश्चन जरूर बनाएगा। उत्तर प्रदेश की SGDP जिसको बोलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा योगदान कौन सा जिला कर रहा है? गौतम बुद्ध नगर नोएडा, ठीक है। दूसरे नंबर पे लखनऊ है, तीसरे पे आगरा है, चौथे पे मेरठ है, पांचवे में प्रयागराज है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जलवा है, इधर देखिए, पहले पे गौतम बुद्ध नगर हो गया, दूसरे पे राज्य की राजधानी आ गई लखनऊ, तीसरे पे फिर आगरा, फिर पश्चिम का जिला आया, चौथे पे मेरठ आया, पांचवे में प्रयागराज है। ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का स्थान है तीसरा। अभी आपने उत्तर प्रदेश के जिलों का योगदान देखा, अब देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान, पहला महाराष्ट्र का है, दूसरा तमिलनाडु का है, तीसरा उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के कुल कितने प्राचीन स्थल संरक्षित स्थल घोषित किए गए हैं? अच्छा, ये है क्या, प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 की धारा 3 के अंदर कुछ स्थल जो है संरक्षित घोषित किए जाते हैं। उसके तहत 6 जिलों के 18 जो प्राचीन स्थल है उनको संरक्षित, ये कुछ स्थल है, याद कर लीजिए, डीप जाएगा तो पूछ सकता है। महोबा का शिव तांडव मंदिर है, फरकाबाद का प्राचीन शिव मंदिर है, शंकरा मठ मंदिर, इटावा का शिव मंदिर, प्रयागराज में रानी तालाब, इंडिका निर्मित प्राचीन विष्णु निर्मित, ये है, इसको देख लीजिएगा, निगाह मार लीजिएगा, ठीक है। झांसी में शिवालय, प्राचीन कोल्हू कुशमढ़िया चंपत राय का महल, उत्तर मध्यकालीन किला, बंजारों का मंदिर, टहरौली का किला, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किन दो जिलों के मध्य, उत्तर प्रदेश में, ये देश में नहीं पूछ रहा है कि आप गांधी सेतु बता दो, ये पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में किन दो जिलों के मध्य, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर सबसे बड़ा पुल कहां बनाया जा रहा है? ये कानपुर व उन्नाव के मध्य, इसकी लंबाई पूछ सकता है। कानपुर और उन्नाव के मध्य गंगा नदी पर सबसे बड़ा पुल, इसकी लंबाई 3.4 किलोमीटर होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों में वृक्षावरण, ध्यान दीजिएगा, वृक्षावरण, ठीक है, कितना भी 6% वृद्धि का लक्ष्य रखा है, बहुत बड़ा टारगेट होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार रिकॉर्ड तोड़ वृक्षारोपण कर रही है, तो उम्मीद है कि यह टारगेट प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, ये निजी यूनिवर्सिटीज खुल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिए कहां किस नाम से खुल रही है, बाई चांस किसी एग्जामिनर का आ गया दिल तो दे देगा ऐसे प्रश्न, वैसे ये इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल कितनी महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति अवार्ड, 19 ग्रामीण में, बस याद रखिएगा कि ये स्वच्छ सुजल शक्ति अवार्ड है, उत्तर प्रदेश सरकार देती है, 19 ग्रामीण महिलाओं को मिला हुआ है ये। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, प्रधानमंत्री आवास योजना है शहरी, शहरी की बात हो रही ग्रामीण की नहीं, ठीक है, अल्पसंख्यकों को सबसे ज्यादा आवास किस प्रदेश ने प्रदान किए? ये आरोप लगता है ना कि सरकार अल्पसंख्यकों के हितैषी नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन रिकॉर्ड की अगर हम बात करें बिना किसी पूर्वाग्रह को रखते हुए, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है, कि अल्पसंख्यकों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत किस राज्य ने सबसे ज्यादा आवास दिए हैं? तो वो उत्तर प्रदेश है। ये आवास की संख्या है, 3,48,884 आवास दिए गए। देश में सर्वाधिक जन औषधि केंद्र वाला राज्य, आपको पता है, देख रहे होंगे अपने आसपास, सस्ती दवाओं जेनरिक दवाओं के बहुतायत वाले जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, इनकी सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में खोली गई है, 1325 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। बीमार, जैसे सबके लिए टोल फ्री होता है नंबर का अपनी बीमारी, तो बीमार पशु अगर आपको कहीं दिखता है तो 1962 पे आप फोन कर सकते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है, आपको पता है सरकार द्वारा, तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रारंभ गेहूं का समर्थन मूल्य पूछ लिया जाता है, 2125 रुपए। अच्छा, इसमें एक प्रश्न है, सोच के बताइएगा, नेट पर सर्च कर लीजिएगा, आपको दे रहा हूं, गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन जारी करता है, ये देख के बताइएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 40 सबसे खुशहाल शहरों में कानपुर किस स्थान पर रहा? 11वें स्थान पर रहा।
ये बड़ा अजीब सा फैक्ट है, लेकिन देख लीजिए, शायद इस वजह से कि कानपुर के लोग बहुत जिंदा दिल कहे जाते हैं, इसलिए ये कानपुर यहाँ पे 11वें नंबर पे रहा। इसमें पहला स्थान जो रहा पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन को प्राप्त हुआ। अबू सलेम लिस्बन से ही दबोचे गए थे, पुर्तगाल है, लिस्बन किस नदी के किनारे है ये भी अपने दिमाग में रखिए। यह पर्यटन के नजरिए से दुनिया के सबसे खुशहाल 40 शहरों की सूची में स्मार्ट सिटी कानपुर को 11वें स्थान पर रखा गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, पर्यटकों, देखिए इसका ये मेन था पर्यटकों से अपनत्व। खुशहाल का मतलब ये नहीं कि कानपुर के लोग बहुत हैप्पी हैं, पर्यटकों का अपनत्व, उनका स्वागत जिस तरीके से किया जाता है, उनको ट्रीट जैसे किया जाता है, उस मामले में कानपुर 11वें नंबर पे है, लिस्बन पहले नंबर पे है। ठीक है, अच्छा आपको पता है सेंट्रल विस्टा बन रहा है, तो यूपी ने कहा हम भी बनाएंगे अपना एक नया विस्टा। दरअसल ये चीज इसलिए भी की जा रही है, आपको पता है परसीमन आयोग का कार्यकाल था, उस समय बाद परसीमन बदला जाएगा अब, तो सांसदों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि होने वाली है। अगर एक कैलकुलेशन किया जाए तो गलत नहीं होगा कि 750 800 के आसपास अब सांसद हो जाएं भारत में। देखिएगा अभी आने वाले समय में, क्योंकि जब क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा आबादी के हिसाब से, जो बहुत वर्षों से नहीं हुआ है, तो सांसदों की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ेगी। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना नया विधान भवन बनाने जा रही है, अभी आपने देखा होगा लखनऊ में बना है वो। अब ये कब बना है, 2027 तक पूरा कर लेगी उत्तर प्रदेश सरकार भी, कहेगी भैया हमारे विधायक भी बढ़ रहे हैं कहाँ बैठेंगे, तो ये भी नया अपना एक स्टेट विस्टा टाइप का बनाएंगे। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश बजट के प्रश्न चालू हो गए हैं, थोड़ा एक्टिव हो जाइए, यहाँ पे फैक्ट वगैरह भी आएंगे, तेजी से हम लोग याद करेंगे इन चीजों को। ठीक है, उत्तर प्रदेश बजट 2023 का कुल आकार कितना है ये पूछ लेता है, तो आप याद रखिए 6,90,242 करोड़, 6,90,242 उत्तर प्रदेश सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 22 फरवरी 2023 को पेश किया गया, किसके द्वारा पेश किया गया बताइए कमेंट में। राजकीय घाटा अनुमानित किया गया है 84,883 करोड़। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद वही SGDP, SGDP का कितना है, ये 3 पर, ये देखिए इसमें सारे फैक्ट इस नोट्स में नहीं लाए गए हैं, जो आयोग पूछता है वो फैक्ट लाए गए, इसलिए आपको ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लाने के लिए हम सारे फैक्ट डाल देते और आप बोझिल हो जाता, वीडियो भी और फैक्ट भी, तो इंपॉर्टेंट डाले गए, उसको बहुत अच्छे से याद रखिए कि ये जो राजकीय घाटा है ये SGDP का 3.48% है। अच्छा, स्टेट की GSDP में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, यह राष्ट्रीय विकास दर से ज्यादा है, और वर्ष 2023-24 के लिए ये लक्ष्य, ये 16 वाला लक्ष्य कितना रखा गया है कि 19% की विकास दर, किसकी वो नहीं, जो आप टोटल रेट होती है उसकी बात नहीं चल रही है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 4.2% है, सरकार के अनुसार घटी है, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, सरकार के अनुसार घटी है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है कि 2021-22 के बजट में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान देखिए बढ़ता घटता रहता है, इस बार जो है बड़ा है, क्योंकि कृषि इसमें शामिल रहती है, तो आप लोग सोचते हैं कृषि तो कम होती जा रही है, क्षेत्र घिरते जा रहे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि 28.44 हो गया है, पहले था 28.11। ठीक है, तो कभी भी कथन कारण में आया है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान इस वर्ष बड़ा है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में, फार्मा पार्क कहाँ बनाया जाएगा, ललितपुर में। भी फार्मा वाला एक प्रश्न पीछे आया था, मेजबानी किसको प्राप्त हुई है, तो वो फार्मा कुछ करके था, उसकी उत्तर प्रदेश को मेजबानी प्राप्त हुई थी, उसी के तहत के फार्मा पार्क कहाँ बनेगा, ललितपुर में, ललितपुर का है झांसी के पास। ठीक है, दशावतार मंदिर गुप्त काल का जो बना था ललितपुर में ही है, पुरानी किताबों में झांसी दिया है, वो ललितपुर में ही है। ठीक है, ललितपुर और झांसी मिला के एक सांसद होता है, कई जिलों में व्यवस्था है, वही व्यवस्था यहां पर भी है, ललितपुर और झांसी दोनों जिलों को मिला के एक सांसद होता है।
बजट में कितने नए राज्य विस्तृत। हाँ ये इंपॉर्टेंट, अभी आपने देखा प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल रही थी, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट नहीं, ये थोड़ा देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राज्य विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है। मिर्जापुर, देवीपाटन, मुरादाबाद और कुशीनगर बनाए जाएंगे। अब ये देख लीजिए नाम है, विंध्याचल मंडल में माँ विंध्यावासिनी राज्य विश्वविद्यालय बनेगा, देवीपाटन में माँ पातेश्वरी देवी, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय शामिल है, ये राज्य विश्वविद्यालय बनेंगे। कुंभ 2025 बजट बिल्कुल याद रखिए, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2500 करोड़ रुपए सिर्फ कुंभ मेले के लिए दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जा रहा है, उसका नाम है, ये याद रखिएगा, ठीक है। किसानों को अगले वित्तीय वर्ष से मुफ्त बिजली देने वाला कौन सा राज्य बन गया है, छठा राज्य बन गया है, ठीक है। निजी नलकूप जो होते हैं, मतलब प्राइवेट भी आपका है, विद्युत बिल पर 100% छूट मिलेगी आपको, छठा राज्य बन गया उत्तर प्रदेश किसान। ये इंपॉर्टेंट है, कल के न्यूज़पेपर में योगी जी कह रहे थे कि वो स्टेटमेंट सुना था कि अयोध्या मथुरा के बाद अब सीतापुर की बारी है, उसका विकास धार्मिक बेस पे बहुत ज्यादा अच्छा किया जाएगा। तो उसी का ये है कि वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई, नैमिषारण्य में, सीतापुर के नैमिषारण्य में हुई है, ठीक है। सीतापुर वाले बताएं कमेंट में, वहां पर एक बहुत फेमस आई हॉस्पिटल है, बहुत प्राचीन और बहुत फेमस आई हॉस्पिटल है, क्या नाम है उसका, केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी, कौन सी, सतलज जल विद्युत वितरण निगम, क्या कर रही है ये, एक सोलर प्लांट लगाएगी। हमने आपसे कहा ना, जहां एनवायरमेंट आ जाए और सोलर आ जाए, वो यूपी स्पेशल, यूपी लोक सेवा आयोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा, सतलुज जल विद्युत निगम एक सोलर ऊर्जा प्लांट लगाएगी कानपुर में, ठीक है। यह राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ समझौता कर लिया है। ये वैश्विक निवेश सम्मेलन है, इसके बारे में भी और जाएंगे, लखनऊ में हुआ था 10 से 12 फरवरी के बीच में, इसका ये डिजिट याद रखना, बड़े बड़े होल्डिंग लगे थे, बहुत आप में से बहुतों को याद होगी ये डिजिट, 33.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला है उत्तर प्रदेश को, ये याद रखिएगा। अब उसी निवेश सम्मेलन जो हुआ था, सरकार उसको बहुत प्रचारित कर रही है और निवेश भी बहुत मिला, इसलिए उसके फैक्ट इंपॉर्टेंट है, वो यहां पे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सर्वाधिक निवेश का प्रस्ताव किस जिले को मिला, किसको मिला, अभी उधर मत देखिए, अभी इधर देखिए, किसको मिला, किस जिले को मिला। अभी एक पीछे प्रश्न पड़ा था कि SGDP में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर, उसी को मिला है। लेकिन SGDP में दूसरा स्थान किसका था, लखनऊ का, लेकिन निवेश यहां लखनऊ को दूसरे नंबर पर नहीं मिला, दूसरे नंबर पर निवेश मिला आगरा को। तो सर्वाधिक निवेश जो मिला है गौतम बुद्ध नगर को मिला है, फिर आगरा को मिला है, फिर गाजियाबाद को मिला है। तो गौतम बुद्ध नगर, आगरा और गाजियाबाद ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ठीक है, जो अभी उत्तर प्रदेश में आपने पढ़ा 10 से 12 फरवरी के बीच में निवेश सम्मेलन हुआ, उसमें सर्वाधिक अगर पूछा जाए किस शहर को, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, गाजियाबाद, ये याद रखिएगा। अब क्षेत्र पूछ सकता है, तो सबसे ज्यादा नवीनीकृत ऊर्जा प्रथम स्थान पर रही है, नवीनीकृत ऊर्जा ऐसा सेक्टर है जिसको सर्वाधिक निवेश प्राप्त हुआ, दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। बर्जर ग्रुप एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री लगाने जा रही है, ये हरदोई में पड़ता है, संडीला, एशिया की सबसे बड़ी, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, संडीला है, वहां पे लगने जा रहा है। ये देखिए वही प्रश्न, ये प्रश्न आया है कि सोलर प्लांट कहां लगने जा रहा है, कानपुर नगर, अभी पीछे भी पड़ा था। अच्छा, हांगकांग की एक कंपनी है, वो ईवी, आजकल ईवी वाहन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण संयंत्र लगाएगी, कहां लगाएगी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, फरवरी 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर बनाए गए हैं, चीफ जस्टिस राजेश बिंदल का स्थान लिया, वो अब सुप्रीम कोर्ट चले गए, ये इंपॉर्टेंट है, याद होगा आप लोगों को। ये 13वां संसद रत्न पुरस्कार उत्तर प्रदेश से किसको मिला, ये कई 13 सांसदों को ये पुरस्कार मिला है, उत्तर प्रदेश से सिर्फ एक सांसद है, विशंबर प्रसाद निषाद, समाजवादी पार्टी, ठीक है।
ये उत्तर प्रदेश, अभी आपने पढ़ा है खेल नीति पहली बार आई 10 मार्च को, अब ये पूछ रहे नई फिल्म नीति, यानी कि फिल्म नीति थी पहले से, नई फिल्म नीति आ गई है फरवरी 2023 में। इसमें क्या है कि सब्सिडी देगी अगर फिल्में अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी भाषा में बनाई जाती हैं तो फिल्म की लागत का 50% सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार प्रदान करेगी। ये सब्सिडी सब कौन ले जाएंगे? मेरे हिसाब से भोजपुरी वाले ले जाएंगे, उनकी फिल्में ज्यादा बनती हैं। ब्रज में इस तरीके की फिल्में बनने अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं। लोकगीत बुंदेली काफी चल रहा है, अवधी और ब्रज ये थोड़ा सा पीछे हैं, इनको थोड़ा सा आगे होना होगा ताकि इस तरीके की सब्सिडी का लाभ उठा सके। G20 की जो मीटिंग हो रही है, अभी आपने पढ़ा युवा परामर्श वाली पढ़ी, फिर आपने जो एक मीटिंग हुई पुस्तक मेले वाली, G20 पे बेस किया, पुस्तक मेला लखनऊ में हुआ। अब G20 की पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक लखनऊ में, तो लखनऊ में दो हो गई, कौन कौन सी? डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक लखनऊ में हुई, और अभी एक हमने पीछे पढ़ी कि G20 की पुस्तक मेले वाली बैठक लखनऊ में हुई। किस शहर में 2 दिवसीय G20 इम्पावर इंसेप्शन मीटिंग, अभी ये देखिए चौथी मीटिंग आ गई, कहां पे हुई? आगरा में हुई। तो ये आप नोट कर दीजिए क्लासिफाइड करके कि ये मीटिंग, चारों पांचों फैक्ट एक साथ आ जाएंगे। पांच में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा रहा? 14वां। थोड़ा डीप जाएगा तो उस तरीके के प्रश्न पूछेगा। कहां पे? मध्य प्रदेश और नई दिल्ली में। आज पहला स्थान खेलो इंडिया, ये नेशनल जो आप याद कर रहे हैं नेशनल करंट, उसमें भी याद कर लीजिए कि पहला स्थान महाराष्ट्र को हुआ, दूसरा स्थान हरियाणा को प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर रहा है, 6 स्वर्ण, 14 रजत और 16 कांस्य पदक होंगे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उत्तर प्रदेश का स्थान 14वां। हर घर जल योजना में सर्वाधिक कनेक्शन देने के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान 4था रहा। बिहार देखिए आश्चर्यजनक रूप से पहले स्थान पे है, हर घर जल योजना में। लखनऊ में कुल कितनी ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटलों में बदला जा रहा है? ये पांच इस तरीके के प्रश्न आयोग मुश्किल है पूछे। इंडियन एक्सपोर्ट मार्ट का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया, अंतरराष्ट्रीय प्रधान मेले का आयोजन भी इसी सम्मेलन में किया गया। टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा, अभी आपने हरदोई में पढ़ा कि बर्जर जो कंपनी है पेंट बनाने वाली, वो अपना संडीला में बना रही है, तो हरदोई फिर से आ गया। प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत किन जिलों की सीमा पर टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा? तो हरदोई और लखनऊ की सीमा पर बन रहा है। पीएम मित्र की फुल फॉर्म देख लीजिए, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रेल स्कीम। ये देखिए अभी शालिग्राम आए थे, आपको ध्यान हो ओपन ट्रक में आए थे, जगह जगह से निकल रहे थे। तो अयोध्या में निर्माणाधीन शिलालेख शालिग्राम कहां से लाए गए? नेपाल के जनकपुर के गडेश्वर धाम से लाए गए। ये इंपॉर्टेंट है बेसिक जानकारी के लिए भी आपके। शालिग्राम पत्थर अभी देख लीजिए उसका कुछ ओरिजिन है। शालिग्राम पत्थर नेपाल में गंडक नदी जो है उसकी सहायक नदी है, काली गंडक। ये ऐसे नहीं कि हर जगह पाए जा रहे हैं, नेपाल में गंडक नदी है उसकी सहायक है, काली गंडक के किनारे पे पाए जाते हैं। इस पत्थर की इंपॉर्टेंस क्या है? इसे विष्णु का रूप समझा जाता है। ठीक है, अच्छा देखिए अपनी सारी सरकारी योजनाएं चल रही है, लोगों को पता नहीं चलते है कि क्या स्कीम। तो उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है, वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल। तो अगर पूछा जाए वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले सकें। अच्छा देखिए ताज महोत्सव होता है, सब जगह महोत्सव होता है, कई जगह आयुर्वेद महोत्सव होता है, फलाना महोत्सव अपने ताज महोत्सव आया, अगर उसका थीम क्या थी? विश्व बंधुत्व। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट मिलेगा प्रयागराज में। ठीक है, आरोहणी पहल का संबंध किससे है? ठीक है, ये भी देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वंचित वर्गों की बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ, जिसको आरोहणी पहल का नाम दिया गया। समझ गए आप लोग? अच्छा ये अभी देखें जीआई टैग आपने पढ़ा अप्रैल में 4 को मिला, ये फरवरी में जीआई टैग मिला है पनियाला को।
पनियाला कह रहा है कि किस जिले से संबंधित है, गोरखपुर से संबंधित है। स्कूल बच्चे छोड़ देते हैं तो उसके लिए किस देश का मॉडल अपनाया जाएगा कि ड्रॉप आउट कम हो, तो नीदरलैंड से प्रेरणा लेगा उत्तर प्रदेश, उसका मॉडल अपनाया जाएगा। किस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का 100 फीट ऊंचा मंदिर बनाया जाएगा, अयोध्या में बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कुल 3 महीने की करंट इसमें हो गई कवर। इसके अतिरिक्त आपको उत्तर प्रदेश करंट में कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। कल आपको इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जनवरी, दिसंबर और नवंबर की करंट करा दी जाएगी। मेरे हिसाब से मार्च तक के, नवंबर तक का जो महीना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है यूपी करंट के लिए। बहुत समय की किल्लत है, तो इन 6 महीनों को भी अगर आप करके चले जाएंगे तो आप 95% प्रश्न यूपी स्पेशल के कर ले जाएंगे। थैंक यू।